हस्त मैथुन कैसे छोड़े। इस वीडियो को देखने के बाद आप हस्त मैथुन के पूरे मनोविज्ञान को समझ जाएंगे, साथ ही आप ये भी समझ पाएंगे कि हस्त मैथुन की लत का कारण क्या है और किसी भी चीज के कारण को समझ लेने से उसका निवारण आसान हो जाता है। जरा एक परिस्थिति की कल्पना करिए कि आपको एक मेडिसिन दे दिया जाए और उसे सेवन करने के बाद आप जब भी हस्तमैथुन या यौन क्रिया द्वारा अपने वीर्य को स्खलित करें तभी आपके शरीर में खुजली प्रारंभ हो जाए, तो कुछ ही दिनों में आप हस्तमैथुन द्वारा वीर्य को स्खलित करने से बचेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान के गहरे नियम यही कहता है कि व्यक्ति को किसी काम को करने में तत्क्षण नकारात्मक परिणाम मिलता है तो व्यक्ति उस काम को करने से बचना चाहेगा और धीरे धीरे कुछ ट्रायल के बाद व्यक्ति उस काम को पूरी तरह से छोड़ देगा। इसे मनोविज्ञान की दुनिया में लॉ ऑफ पनिशमेंट का सिद्धांत कहा जाता है और व्यक्ति को जिस काम को करने में आनंद और मजा मिलता है तो उस काम को व्यक्ति बार बार करेगा। इसे मनोविज्ञान की भाषा में लॉ ऑफ प्लेजर का सिद्धांत कहा जाता है। तो आपको हस्त मैथुन की जो आदत लगी है ना, वो लॉ ऑफ प्लेजर के नियम से बंधा हुआ है, क्योंकि आपको हस्त मैथुन करने में आनंद आता है तो आप उसे बार बार करते हैं। यदि आप हस्त मैथुन छोड़ना चाहते हैं तो आपको पहले स्वयं से ईमानदारी से प्रश्न पूछना होगा कि आप हस्त मैथुन क्यों छोड़ना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि YouTube पर ऐसे वीडियो देख लिया आपने जिसमें वीर्य रक्षा और ब्रह्मचर्य के महान लाभ के बारे में बताया गया है, या वीर्य को गिराने से जीवन नरक हो जाता है। ये सुनकर और इससे प्रेरणा लेकर नोफैब का पागलपन आपके सिर पर सवार हो चुका है। यदि ऐसा है तो आप हस्त मैथुन कभी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि यह साइकोबायोलॉजिकली आपके लॉ ऑफ प्लेजर से बंधा हुआ है और कोई भी बाहरी प्रेरणा क्षण भर के लिए या कुछ दिनों के लिए आपके ऊपर काम करेगा, लेकिन अगले ही पल लॉ ऑफ प्लेजर आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आप हस्त मैथुन कर वीर्य स्खलित कर लेंगे और अंदर से इतना ज्यादा अपराध बोध महसूस करेंगे कि हाय ये मैं क्या कर लिया, और वीर्य स्खलन के बाद यही अपराध बोध की भावना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है आपके लिए। तो आपको हस्त मैथुन छोड़ने के लिए सबसे पहला काम अपने दिमाग को यह सलाह देना बंद करना होगा कि मुझे हस्त मैथुन नहीं करना है, इससे जीवन नरक हो जाता है। क्योंकि जैसे ही ये सुझाव आपने अपने दिमाग को दिया वैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड प्रतिक्रिया स्वरूप हस्त मैथुन सेक्स और पोर्न आपके जीवन में भर देगा और आपका दिमाग सारा समय हस्त मैथुन और पोर्न से बचने में ही संघर्ष करता रहेगा। और याद रखो, संघर्ष में मस्तिष्क कभी भी संयम नहीं साध सकता, बल्कि संघर्ष में मस्तिष्क और ज्यादा सेक्स हस्त मैथुन और पोर्न की तरफ झुकाव पैदा करता है, क्योंकि थोड़े समय के लिए पोर्न सेक्स और हस्त मैथुन में डूबकर मस्तिष्क को तमाम प्रकार के संघर्षों से विश्राम मिलता है। आशा करता हूँ इस डीप साइकोलॉजी को आप समझे होंगे, ना भी समझे होंगे तो वीडियो को दोबारा देखिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।